नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी। सर जी नमस्ते, स्वागत है आपका संसद टीवी में और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहली बात लाजमी है कि कोविड की होगी। जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया वायरेंट चाइना में हम कह सकते हैं कि तबाही मचा रहा है, हालांकि भारत में अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है कि कोविड पॉजिटिविटी रेट कम होती चली जा रही है, ये फिलहाल के लिए तो एक ब्रीदर है, लेकिन सर ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता है? देखो, ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है, वो बार बार म्यूटेट होता रहता है और स्वरूप बदलता रहता है। पहले अल्फा वेरिएंट आया, बीटा वेरिएंट आया, गामा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट आया, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है। तो ओमिक्रॉन का भी सब वेरिएंट अभी चल रहा है। पहले ओमिक्रॉन B1 आया, B2 आया, BA5 आया, ये BA5 का सब वेरिएंट BF7 वो चल रहा है। और हमें अलर्ट इसलिए रहना है कि हर बार ऐसा हुआ है, शुरुआत में ईस्ट एशिया से प्रारंभ होता है, जापान, चाइना, कोरिया, वहाँ से यूरोप जाता है, वहाँ से अमेरिका जाता है और वहाँ से दक्षिण अमेरिका जाता है, ब्राज़ील, सभी कंट्री में, अर्जेंटीना, तो वहाँ सब जगह पे अभी सर्ज दिखाई दे रहा है और उसके बाद साउथ एशिया को हिट करता है। तो ये रूट को देखते हुए हमें अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है और ये अलर्टनेस के भाग के स्वरूप हमने कई इनिशिएटिव लेना अभी से ही प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा, अभी हमने 2-3 दिन पहले सभी स्टेट को अलर्ट किया, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए हमने गाइड किया, साथ में देश में 4 ऐसा प्लेस होता है जहाँ से बाहर से वेरिएंट आ सकता है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, वाटरवेज और 5th लैंड बॉर्डर से, तो सभी जगह पे प्रिकॉशन लेना ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है। हमारे पास कोविड मैनेजमेंट का एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, उसका भी हमें लाभ हो रहा है ताकि हम आने वाले दिनों में अभी से ही सज्ज रहे तो हम ये वेरिएंट को रोकने में सक्सेस हो सकते हैं। सर, आपने संसद में बेहद महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा ग्रोथ भी ना रुके और कोविड के सारे प्रिकॉशंस भी ले लिए जाएं। आगे जाकर सर, जिस तरह से चाइना में सर्ज दिख रहा है या आपने बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कही, ऐसे में इस तरह का बैलेंस कितना मुश्किल होने वाला है भारत के लिए? बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और हमने करके दिखाया है। आज आप देखो, दुनिया में कोविड क्राइसिस के बाद जो इकोनॉमी रोटेट होनी थी वो नहीं हो पाई। आज भी GDP ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री में भी 1-2% और कई जगह में तो माइनस में चल रहा है। इंडिया 77% GDP ग्रो कर रहा है, उसका मतलब यह है कि हमने सबसे पहले हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर लिया और बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का ये नतीजा निकला। हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास भी नहीं रुकना चाहिए और कोविड को रोकना है, तो दोनों को साथ में हमें चलाना है कि विकास भी होता रहे और कोविड का सर्ज भी इंडिया में ना आए। उसको देखते हुए जो जो इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है वो इनिशिएटिव हमने लेना चालू किया। एयरपोर्ट पर जो 5-6 कंट्री है, जापान है, कोरिया है, चाइना है, हांगकांग है, सिंगापुर है, ये सभी जगह से जो पैसेंजर आते हैं उसको हम तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल के तहत उसको कंपलसरी RT-PCR टेस्ट कंपलसरी कर लेंगे ताकि कोई पेशेंट पॉजिटिव हो तो इंडिया में ना आए, आ गया तो उसका थर्मल स्क्रीनिंग हो, टाइप की स्क्रीनिंग करके टेस्टिंग और स्क्रीनिंग दोनों चीज़ों पर हम भार देंगे ताकि ये कोई वेरिएंट इंडिया में ना आ जाए। दूसरा उसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोई भी केस पॉजिटिव पाया जाता है तो हमने जीनोम सिक्वेंसिंग करना चालू किया है। जीनोम सिक्वेंसिंग से फ़ायदा ये होता है कि कोई जगह पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसमें पता हमें जीनोम सिक्वेंसिंग से चलता है कि कौन सा वायरस है जी। वो म्यूटेट होके उसका स्वरूप कैसा बदला है, जो कोई अदर टाइप का वायरस हमें दिखाई दे
तो ये वायरस को आइसोलेट करना आवश्यक होता है। आइसोलेट करके उसके पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है उसकी स्टडी की जाती है, उसके पर मेडिसिन इफेक्टिव है कि नहीं है, कितनी इफेक्टिव उसकी स्टडी की जाती है, सारी स्टडी ये वायरस को आइसोलेट करके की जाए और ये करने के बाद हम उसको रोकने का प्रबंध करें, ये बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमने जीनोम सिक्वेंसिंग भी आज के दिन में ऑलरेडी बढ़ा दिया है ताकि ऐसे कोई नए वेरिएंट देश में नहीं है उसका पता चले। सर, हमारा एक बड़ा अचीवमेंट देश का, मंत्रालय का ये रहा है जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चली या जिस तरह से वैक्सीन्स एडमिनिस्टर हुए, 220 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पहुँच चुका है फिलहाल, और अभी हाल में ही नेजल वैक्सीन को भी अप्रूवल मिला है। सर, ये जनता के लिए क्या है, कितना ज़रूरी, क्या हम इसको बूस्टर डोज माने, किस तरह की आगे की रणनीति इस डोज को लेकर? वैक्सीनेशन देश में कोविड को फैलने में या तो कोविड से हो रहे मृत्यु को कम करने के लिए वैक्सीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है, नहीं केवल भारत में लेकिन सारी दुनिया में। तो आज देश में 97% लोग वैक्सीनेटेड है। उसका लाभ हमें ये हुआ कि जब ओमिक्रॉन का BA.5 वेरिएंट आया तो सर्ज के रूप में आके चला गया, वेव के रूप में नहीं आया, तो वेव्स हमने थर्ड वेव्स नहीं देखा। और आने वाले दिनों में और प्रिकॉशन डोज सब लोग ले लें, और अभी तो इंडियन रिसर्च इंडियन इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ नेजल ड्रॉप वैक्सीन भी आ गया है, तो नेजल ड्रॉप वैक्सीन भी हमें प्रिकॉशन डोज के लिए उपयोगी हो सकता है। और नेजल ड्रॉप वैक्सीन को जो अप्रूवल मिली है वो स्वयं उसका ही फर्स्ट और सेकंड डोज आप लगा सकते हो। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन ली हो उसको भी वो प्रिकॉशन डोज के लिए, बूस्टर डोज के लिए उसका उपयोग हो सकता है, यानी कि वो हेट्रोलोगस उसका उपयोग करने के लिए भी हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने अनुमति दी है। तो आने वाले दिनों में लोग आसानी से अपना प्रिकॉशन डोज भी नेसल डोज के आधार पर ले लें ताकि वो अपने हेल्थ को कोविड के सामने सुरक्षित रख सके। सर, पूरी दुनिया ने बहुत समस्याओं का सामना किया है, भारत ने भी। सर, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस है, सेलिब्रेशंस है, कितनी चिंता आपको, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना शायद उस समय पर मुश्किल होगा, तो क्या संदेश है आपका देश के लिए? फेस्टिवल तो हर साल आएगा, लेकिन जब फेस्टिवल कोविड जैसी महामारी के समय में आ रहा है तो हमें प्रिकॉशन लेना बहुत आवश्यक है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर मुझे चिंता भी है, और इसलिए मैं देश की जनता को आग्रह करता हूँ कि वो मास्क का उपयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसेस बनाए रखें ताकि हम कोविड को रोक पाए, ये बहुत आवश्यक है। भूतकाल का ये अनुभव रहा है, ऐसे गैदरिंग से ही कोविड ज़्यादा फैल रहा था, ये ना फैले इसलिए हमें स्वयं शिस्त का पालन करें और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ये दो ही चीज़ हमें बचा सकती है, हमें उपयोगी हो सकती है। मेरी अपेक्षा है देश के प्रति कि हम चौकस और अवश्य कोविड बिहेवियर का पालन करते हुए कोविड को रोकने में सक्सेस रहेंगे। सर, हमारी लगातार ये प्रेयर्स हैं कि हमें दूसरी लहर या सर्च देखने को ना मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये एक एनिमी है जो किसी के भी बस में नहीं है, तो हम कितने तैयार हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो देश में कोविड फैल गया तो हमें तुरंत ही वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी होगी, प्रिकॉशन डोज को और लोगों को आग्रह करके ले लाना होगा, वनरेबल पॉपुलेशन को एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रिकॉशन डोज लेने के लिए आग्रह करना होगा। देश में मेडिसिन की उपलब्धता के बारे में भी हमने तैयारी कर ली है, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है नहीं है, वो सब देख लेना चाहिए, वो सब हमने अभी से ही तैयारी कर ली है ताकि भविष्य में जो कोविड देश में फैले तो हम उसको अच्छी तरह से उसका प्रबंधन कर सके। सर, ऑक्सीजन और हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी एक बड़ी चिंता है, और ये भी एक जरूरी है कि हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड्स वो तैयार रखने के लिए मैं आने वाले दिनों में तुरंत ही सारे देश में एक दिन में एक साथ में मॉक ड्रिल करना चाहता हूँ ताकि देश उसके लिए तैयार हो जाए। सब हेल्थ मिनिस्टर कोई ना कोई अस्पताल में उपस्थित रहे, सब अफसर अपने कोई ना कोई अस्पताल में उपस्थित रहे, एक दिन में सारी चीज़ों को देख ले तो एक प्रिपेयरनेस हो जाए।
तैयारी हो जाए। ये हम 360 डिग्री से काम कर रहे हैं ताकि कोई लैप्सिस ना छूटे और देश को हम कोविड क्राइसिस का भोग न बनने दें, और शायद कोविड फैल गया तो हम अच्छी तरह से प्रबंधन कर सके, लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है हम कर रहे हैं। सर, 360 अप्रोच में एक टेली कंसल्टेशन भी एक बहुत बड़ा औजार है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई लड़ने में 80 करोड़ से ज़्यादा टेली कंसल्टेशंस हो गए हैं, आगे इसको और बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना है? टेली कंसल्टेशन एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज दिन में बनने आए हैं, 135,000 शायद बन चुके हैं। तो सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हमने स्पोक बनाया है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने हब बनाया है, ताकि वहाँ कोई गरीब परिवार से, गांव से पेशेंट आए और उसको कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के ओपिनियन की आवश्यकता हो तो तुरंत ही उसको ओपिनियन मिल जाए, और टेली कंसल्टेशन से डायरेक्ट गांव के पेशेंट एक्सपर्ट डॉक्टर से जुड़ जाए, बातचीत कर ले, और बातचीत के आधार पर बगैर में डॉक्टर बैठा हो तो यहाँ से गाइड कर दे, तो डॉक्टर वहाँ इस टाइप का उसको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दे, ट्रीटमेंट भी दे दे, ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट कोविड में, कोविड सर्ज में उसका बेस्ट उपयोग भी हुआ। वैसा ही टेलीमानस, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त जो मेंटल डिसीज़, मेंटल हेल्थ का भी बहुत इश्यू हुआ था, उसमें भी टेली कंसल्टेशन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सर, गांव में और इसको और बढ़ाने पर आप कैसे जोर दे रहे हैं? गांव तक का ट्रेसिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंडिया एक ऐसी कंट्री है उसमें 4 लेयर हेल्थ सिस्टम है, टर्शरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल, और उसके नीचे 1000 पॉपुलेशन पर 1 आशा बहन है। उसको 250 फैमिली की फैमिली हिस्ट्री पता होती है, फैमिली में कोई भी डिसीज़ हो तो उसको पता होता है, तो हम उसका भी उपयोग, ऐसा जब पेंडेमिक की सिचुएशंस होती है तो उसका उपयोग करके फैमिली फैमिली तक पहुंच जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि नीचे गांव लेवल पे क्या चल रहा है, कौन सा डिसीज़ चल रहा है, कौन सा वेरिएंट चल रहा है, ये डिसीज़ का क्या प्रबंधन है, ये सारी व्यवस्था, ये इस प्रकार की ट्रेसिंग सिस्टम से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसका उपयोग करते हैं। सर, चलते चलते आयुष्मान भारत की भी बात कर लेते हैं। एक नई स्कीम आई है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए, बेनिफिशरीज के लिए कितना फ़ायदा होगा इसका? आयुष्मान भारत योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप जानती ही हो। आज देश में करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिला है, देश में 55 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी मिलना छोटी बात नहीं है, और हमने उसका बेस्ट प्रबंधन किया है। पर डे 15 से 16 नई प्राइवेट अस्पताल जुड़ रही है, ताकि गरीब पेशेंट, सरकारी अस्पताल में तो उसको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल, उसकी पसंदगी के अस्पताल में भी उसको फ्री और बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, ये प्रबंधन आज ऑलरेडी हमने कर चुका है। वैसे ही कार्ड भी हर दिन 7 से 8 लाख कार्ड क्रिएट हो रहा है, ताकि उसको एक कार्ड मिल जाए और उसको लेके, ये तो उसके पास 5 लाख की सिक्योरिटी है, या जेब में कार्ड लेके गया, कोई भी अस्पताल पर गया तो अस्पताल उसको ट्रीटमेंट देगी। 4.5 करोड़ लोगों ने उसका लाभ लिया है और आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से उसका कवरेज बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, उम्मीद है कि कोविड क्राइसिस हमें फिर से ना छू पाए। आपने हमसे बात की, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद कृति।